देश में लोकसभा 2024 का चुनाव दहलीज पर आकर खड़ा हो गया है, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारा फंसता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस यहां झारखंड वाला फॉर्मूला लागू कराना चाहती है, लेकिन सपा तैयार नहीं है। हालात यहां तक हो गए हैं कि कांग्रेस ने अब खुद 80 सीटों पर लड़ने की बात कह दी है। क्या है झारखंड का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द न्यूज प्लग का खास सेगमेंट एक्सप्लेनर। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में अभी तक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस की कोशिश है कि इंडिया गठबंधन में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को भी शामिल कराने की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा अधिक सीटें यानी कि 80 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की जिम्मेदारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास है। कमेटी ने राज्य स्तर पर सीट विवाद सुलझाने का फैसला किया है। सपा से कमेटी में जावेद अली और कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल इस कमेटी के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में यह पहली बार है जब सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। 2017 में दोनों विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ चुके हैं, लेकिन नतीजा सबके सामने था। सीट बंटवारे का झारखंड फॉर्मूला क्या है, अब वो जान लीजिए। 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने सीट बंटवारे को लेकर झारखंड के सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ समझौता किया था। इस समझौते के तहत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तो विधानसभा चुनाव में JMM में ज़्यादा सीटें पर लड़ने का फैसला हुआ था। फिर 2019 के चुनाव में झारखंड के 14 में से 7 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे। 4 सीटों पर JMM लड़ी, जबकि बाबूलाल की पार्टी JVM के खाते में 2 सीटें आईं। लालू प्रसाद की पार्टी RJD को भी समझौते के तहत 1 सीट पर उम्मीदवार उतारने का मौका मिला था। हालांकि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बुरी तरह हार गया। 14 में से कांग्रेस JM को सिर्फ 1-1 सीट पर जीत मिली। फिर विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे का यही समीकरण पलट गया, यानी कि झारखंड की 81 में से 41 सीटों पर JMM के उम्मीदवार उतारे गए, जबकि कांग्रेस के खाते में 31 सीटें आईं। गठबंधन के सहयोगी RJD को 7 सीटें मिली। इस बार सीट बंटवारे का यह समझौता गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हुआ। 41 सीट पर लड़ने वाली JM ने 29 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस को 18 और RJD को 1 सीट पर जीत मिली। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस यही फॉर्मूला चाह रही है। झारखंड की तरह उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस लोकसभा में सपा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना के लिए अपनी बात आगे रख रही है। कांग्रेस यहाँ की 80 में से 40 सीटों पर दावा ठोक रही है। पार्टी के सीटों के इंडिया गठबंधन के दलों में बांटने की बात होने शुरू हो गई है। कांग्रेस इसके पीछे 2009 के रिजल्ट का तर्क दे रही है, जबकि 2009 में कांग्रेस UP में 69 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 21 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। पार्टी अलीगढ़ समेत कई सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। 2009 के बाद कांग्रेस ने यूपी में जीत के लिए कई प्रयोग किए, हालांकि पार्टी हर बार असफल रही। 2019 में कांग्रेस की परंपरागत सीट अमेठी से भी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस की कोशिश सपा से वो सीट झटकने की है जिस पर पिछले चुनाव में मायावती की पार्टी ने लड़ी थी। 2019 में BSP ने 38 सीटों पर सपा से समझौता कर लिया था, उनके उम्मीदवार उतरे थे। BSP को 10 सीटों पर, जिसमें से जीत भी मिली थी, और सपा को नुकसान हुआ था। तो ये थी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो कांग्रेस चाह रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।